हेलो गाइस, दिस इज विजय। LearnOvit के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी चंगे होंगे। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं और हम हमारे जो चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो क्या है, स्टॉक एंड फ्लो, है ना। चलिए तो आज हम क्लियर करेंगे कि आखिर स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। देखिए, कई बार आपने कभी किसी शॉप पे गए होंगे और आपने स्टॉक के बारे में सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पर गए और वो आपस में बात कर रहे होंगे उसी जो वहाँ पे काम करते हैं कि भाई तेरे पास इस पर्टिकुलर गुड्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम ने श्याम से बोला कि भाई तेरे पास इस पेन का अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि अभी तेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं आपके, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई भी चीज़ का आप एग्जांपल ले रहे हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पे ये पेन वेरिएबल था, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का एग्जांपल लीजिए, उसमें आपका जो भी जिसका एग्जांपल आप ले रहे हो वो चीज़ आपकी वेरिएबल बन जाती है। तो वो वेरिएबल एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितने हैं, वो सब किस कॉन्सेप्ट में आते हैं, आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट में। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 तारीख को आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ थे। यहाँ पे जो सेविंग है आपकी, जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब मनी, वो आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल वो भी 1 तारीख को, मतलब एक दिन, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक दिन ना पूरा, तो एक टाइम में आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए थे, 1 लाख रुपए। तो ये भी क्या है, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक दिन की बात करी है कि भाई तेरे पास उस दिन 1 तारीख को 1 लाख पड़े हुए थे। तो वो एक दिन की बात, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आते हैं स्टॉक, मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो सकती है, वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करते हैं कितने हैं कितने नहीं हैं, वो किस में आते हैं, आपके स्टॉक में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? अभी फ्लो क्या होता है, देखिए फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो का मतलब होता है चेंज होना, बहना, है ना। जैसे कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट भी हो रहे हैं, फिर आप विड्रॉ भी कर रहे हो, तो क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो देखें, तो फ्लो का मतलब क्या है, आपके उसी वेरिएबल्स में एक चेंज आना, वो भी किस में, एक समय के दौरान, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई तुम्हारे अकाउंट में एक से लेकर तीन तारीख तक आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, तो एक से लेकर तीन तारीख तक क्या हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ कि इन 3 दिन के दौरान आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपके कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे। कैसे, कुछ आपने डिपॉजिट भी किया और कुछ आपने निकाला भी। क्लियर हुआ? सो ये क्या है, आपके फ्लो आते हैं, फ्लो चेंजेस होते हैं, और चेंजेस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं होते हैं, आपके पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, मतलब समय के दौरान होते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आप सुबह, अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह 10 बजे तक आपके अकाउंट, आपके पर्स में 50 रुपये थे, तो ये क्या था, सुबह 10 बजे आपके पर्स में 50 रुपये थे। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे 10 बजे, वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 11 बजते ही, 10 से लेकर 11 बजते ही आपके आपके पर्स में 30 रुपये हो गए, तो ये 10 से लेकर 11 बजे, मतलब एक घंटे के दौरान क्या हुआ, आपके पर्स में कुछ ना कुछ फ्लो हुआ। फ्लो कौन सा हुआ, आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, इनफ्लो मतलब पैसा आता, ठीक है। सो किसी भी चीज़ की, जरूरी नहीं है पैसा ही हो, आपके वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, आपके स्टॉक हो सकते हैं, आपके मशीनरी हो सकती है, आपके मनी हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी वेरिएबल एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, वो किस में आते हैं, स्टॉक्स में। और अगर उसी वेरिएबल को हम पीरियड ऑफ टाइम में कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो किस में आएगा, वो फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, स्टॉक एंड फ्लो हम क्लियर कर रहे हैं अब, मीनिंग क्या है। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी, मतलब किसी भी वेरिएबल की क्वांटिटी, वेरिएबल मतलब बताया था ना, कोई भी चीज हो सकती है, जिसका आप एग्जांपल ले रहे हो वो कोई भी, जैसे पेन हो गया, आपके पैसा हो गया जो आपके अकाउंट में है,
कोई भी चीज़ होता है, आपका मशीनरी भी आपका वेरिएबल हो सकता है कि मशीनरी आप चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके पूरे एक साल के दौरान आपने कोई भी अपने बिजनेस में कोई भी मशीन चेंज नहीं करी, तो एक साल में आपका जो मशीन का क्या पड़ा था, स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन आपने पूरे साल में कुछ ना कुछ मशीन चेंज करी है, तो वही मशीन किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा, क्योंकि आपने उसमें चेंजेस लेके आए हैं। ठीक है, तो एक साल के दौरान आपने कितना चेंज किया, क्लियर है। चले, तो ये क्या है आपका स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी या फिर वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हम मेजर करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम किसी भी चीज़ को जब मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या आता है, वो किस में आता है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट में आ जाता है, क्लियर है। चलिए, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं विच इज मेजर, जिसे हम मेजर करते हैं एट अ पीरियड ऑफ टाइम, किसमें, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय के दौरान। बार बार हम बता रहे हैं क्या, कि अगर आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए भाई, देखिए एग्जाम्पल क्या था कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि स्टॉक के बारे में, भाई तेरे पास इस पेन का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मतलब वो अब आप उसे अभी के बारे में पूछ रहे हो, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में पूछ रहे हो कि तेरे पास इस पेन का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो किस में आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन आपने उससे पूछा एक और एग्जाम्पल कि अरे यार तेरे पूरे दिन के दौरान कितना माल गया, कितना माल आया, तो ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और आपने क्या बोला, पूरे दिन के दौरान, तो ये क्या था, पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड ऑफ टाइम क्या था, आपका पूरा दिन। अब देखो पीरियड ऑफ टाइम में कुछ भी आ सकता है, एक दिन भी आ सकता है, एक हफ्ता भी आ सकता है, एक इवन एक घंटा भी आ सकता है ना, और एक महीना, एक साल, तो पीरियड ऑफ टाइम में कुछ भी आ सकता है। आप उनसे बोल रहे कि भाई भाई एक घंटे के दौरान तुम्हारे स्टॉक में कितना चेंज आया, कुछ आया है कुछ गया, तो ये क्या है, फ्लो है। अगर कुछ भी चेंज आया है तो किस में आएगा, फ्लो में आएगा। ठीक है, तो जो भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम हो सकते हैं, लेकिन आप उसे कंपेरिजन करके, जैसे एक घंटे 10 बजे स्टॉक इतना है, लेकिन 11 बजे स्टॉक बदल गया, तो 10 से 11 के दौरान क्या हुआ, स्टॉक बदल गया, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलें, टाइम एलिमेंट, भाई कैसे इसमें टाइम एलिमेंट्स होते हैं, देखिए टाइम एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इट रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड करता है, और इट रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, और ये पीरियड ऑफ टाइम से, वैसे आपको ऊपर ही आ चुका होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है, क्लियर है। डायमेंशन मतलब क्या, इसमें टाइम डायमेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ नॉट टाइम डायमेंशनल, इसमें हम टाइम डायमेंशनल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे कि 10 बजे कितना स्टॉक है, इस तारीख को कितने पैसे डिपॉजिट थे, तो ये क्या है, ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कोई भी इतना टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना घंटे लगे, कितने दिन लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट फ्लो वेरिएबल में इट इज़ टाइम डायमेंशनल एज पर हावर, एक घंटे भी कर सकते हैं कि भैया तुम्हारे एक घंटे में कितना चेंजेस आया, किसी भी चीज़ में, स्टॉक में, किसी भी कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई भी मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक घंटे के दौरान कितना चेंज आया, एक महीने के दौरान कितना चेंज आया, पर मंथ या फिर पर ईयर या फिर पूरे साल में कितना चेंज आया, क्लियर हुआ। सो ये क्या है आपके फ्लो वेरिएबल्स हैं। एग्जाम्पल, मनी इन द बैंक अकाउंट, पैसा बैंक अकाउंट में कब, 31 मार्च 2016 में जो पैसा आपके अकाउंट में था वो क्या है, एक दिन की, मतलब एक दिन में इतना था, तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट को स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक वेरिएबल का एग्जाम्पल है, क्लियर। लेकिन इनकम, इनकम क्या होती है, आती है, आते रहते हैं, फ्लो होता रहता है। एक्सपेंडिचर, खर्चे होते रहते हैं, फ्लो होता रह रहा है। इन्वेस्टमेंट, आपने आज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, कल 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने 2 दिन में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी क्या आपका प्रोडक्शन, हर समय कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके फ्लो वेरिएबल हैं, इसमें हमेशा हमेशा क्या होता है, फ्लो चलता रहता है, तो ये एग्जाम्पल किसके आगे, फ्लो वेरिएबल्स के आगे, क्लियर हुआ। चले आगे बढ़ते हैं, एक आपको मैंने पिक्चराइज दिखा रखा है, जैसे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल का इनफ्लो हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर आके रुका, कुछ समय के तक रुका, ठीक है, तो ये किस में आ गया आपका, पॉइंट ऑफ टाइम में, ये स्टॉक दिख रहा है आपको, है ना, तो ये क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ये स्टॉक जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। अब इसी स्टॉक में जब आउटफ्लो होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा आपका, फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनफ्लो भी फ्लो है एक तरीके से, और आउटफ्लो भी फ्लो है, पर स्टॉक किस में है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये इनफ्लो आउटफ्लो किस में आ जाएंगे आपके, पीरियड ऑफ टाइम में, क्लियर, पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है,
इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट। देखिए वैसे तो आप 12th में आ चुके हैं और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर भी होगा, आपने अकाउंट में सीखा होगा, है ना। चलिए फिर भी हम बता देते हैं कि होता क्या है। आइए इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए क्या लिखा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म। ये एक प्रोसेस है जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल चेंज की जाती है किसके द्वारा, बाय अ फर्म, और इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, या फिर जो कैपिटल स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज करना। कैपिटल स्टॉक का मतलब जैसे आपके पास मशीनरी वगैरह हो सकते हैं, आपके पास गुड्स हो सकते हैं, इन्वेंट्रीज हो सकते हैं, तो ये सब क्या है, जो पहले से पड़े हुए हैं, जो पहले से आपके पास हैं, उसमें और पैसा लगा रहे हो आप और उसे बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हुआ, दोबारा देखो। इट इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्मेशन करना, चेंज करना बाय अ फर्म, कोई फर्म करता है, या फिर इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, और जो कैपिटल स्टॉक आपका पहले पड़ा हुआ है उसमें भी कुछ इंक्रीज करना, ये सब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास 1,00,000 रुपये की मशीन थी, ठीक है, मैंने 1,00,000 रुपये का और एक और मशीन ले आया, तो ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग जो मशीन थी उसके साथ साथ मैं एक और मशीन लेके आया, तो ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये कैपिटल फॉर्मेशन भी तो हो रहा है, कैसे, कैपिटल चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ, इन्वेस्टमेंट क्या है, आप किसी भी चीज़ में कैपिटल स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पहले से पड़े हुए हैं उनमें उससे ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, वो क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हो गया। चलें अब इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, हम इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं दो इन्वेस्टमेंट में। पहला क्या है आपके पास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पहले क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। पहले हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्या होता है। देखिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एग्जांपल समझिएगा, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, आपकी एक फर्म है, और आपने एक पूरे साल के दौरान एक फाइनेंशियली हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, कोई भी जो आप अप्लाई करते होंगे, तो इस साल के दौरान आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है अपने फर्म में किस चीज़ पर, चाहे वो स्टॉक हो, मतलब आपके गुड्स हो, ठीक है, इन्वेंट्री हो, या फिर आपके मशीनरी वगैरह हो, उन दोनों पे ही इन्वेस्ट करना, वो भी पूरे साल के दौरान आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, वो सब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या है वो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट of an economy constitutes that part of final output. Gross investment क्या है कि एक economy में constitute that part of final output that comprise of capital goods, that is expenditure on fixed assets या फिर inventory stock. जो देखो सिंपल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है अपने अपने रॉ मटेरियल, अपने इन्वेंट्रीज पर, और अपने किस पर, कैपिटल स्टॉक पर, ठीक है, जो कि आपको फाइनल आउटपुट क्रिएट करके देते हैं, जैसे अगर आप अपने इन्वेंट्रीज भी क्या होते हैं, आपके फाइनल आउटपुट हो सकते हैं ना, अगर वो बन के तैयार हैं तो वो भी आपके आपका इन्वेस्टमेंट ही है। और अगर ध्यान समझना, अगर आप मशीनरी वगैरह पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मशीनरी वगैरह पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हुआ। सो आप पूरे साल के दौरान जिस चीज़ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेंट्रीज हों, चाहे वो आपके कैपिटल स्टॉक हों, वो दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं, आपके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। क्लियर हुआ। तो देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में आपने जितनी फिक्स एसेट परचेज करे हैं, खर्चा किया उन पर, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक इन अकाउंटिंग, और जो कि आपके इन्वेंट्री स्टॉक्स हैं, ठीक है, उन पर भी जो भी खर्चा किया है, वो भी आपके किस में आ जाते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, आपने अपने कैपिटल मतलब अपने मशीनरी वगैरह, अपनी लैंड बिल्डिंग पर जो भी खर्चा किया वो, और अपने इन्वेंट्री स्टॉक पर जो खर्चा किया वो, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और वो खर्चा जो है वो कब किया गया है, पूरे अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या गया है, तो ये दोनों खर्चे क्या क्या होते हैं एंड में मिलके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ। चलें अब बात ये आती है कि आखिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन्हें क्यों कहा गया। देखिए
वो कैसे कहा जाएगा, देखो अगर आप नेट इन्वेस्टमेंट समझ जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया। चलो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, समझिएगा, आपने मेरी एक कंपनी है, मेरा एक फॉर्म है, और एग्जांपल है कि मेरा एक फॉर्म है और मैंने जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर मैंने मशीनरी वगैरह पर 1,00,000 रुपये लगाए थे, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट किया था? क्लियर है, इन्वेस्टमेंट किया था। अब मैंने पूरे साल के दौरान और भी कुछ इन्वेस्टमेंट करे हैं, कौन कौन से, मान लीजिए एक और मशीन ले लिया है 1,00,000 रुपये का साल के बीच में 6-7 महीने में, उसके बाद फिर इन्वेंट्री पे कुछ खर्चे किए थे मैंने, तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल मिला के मेरा जो खर्चा हुआ इन्वेंट्री पे और आपके क्या मशीनरी वगैरह पे, सो वो टोटल मिला के मान लीजिए 3,00,000 रुपये खर्चा हुआ है। कितना हुआ है? 3,00,000 रुपये। तो पूरे साल के दौरान मैंने 3,00,000 खर्चा किया, तो ये 3,00,000 रुपये क्या है आपका? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि वही तो लिखा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कि आपने पूरे अकाउंटिंग में जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है अपने कैपिटल स्टॉक पर और अपने इन्वेंट्री स्टॉक पर, तो ये सब किस में आ जाते हैं आपके? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने सर आपने अपनी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है पूरे साल में, कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पूरे साल में, तो मैं क्या कहूँगा? 3,00,000 रुपये, है ना। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में पूछते हो कि सर आपने अभी कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो उसकी वैल्यू आज कितनी है, तो मुझे बताएं, तो जो मैं एक साल से इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ क्या वो साल के एंड में उतनी ही होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी? जब स्टार्ट किया था एक फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे 1,00,000 रुपये का मैंने एक मशीन परचेज करी थी, ठीक है, तो वो क्या 1,00,000 की मशीन आज भी उतने की होगी? नहीं ना। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या था कि पूरे साल के दौरान आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेंट्री स्टॉक पे या फिर कैपिटल स्टॉक पे, वो सब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि साल के एंड में आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो नहीं रही कब? साल के एंड में। कौन सा? अकाउंटिंग ईयर के एंड में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लग चुका होगा अब तक? डेप्रिसिएशन, है ना, क्या लग चुका होगा अब तक? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो देख क्या लिखा है, नेट इन्वेस्टमेंट इट इज द नेट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि एक्चुअल में कैपिटल का स्टॉक कितना बढ़ा एडजस्टेड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को कटने के बाद, कि एक्चुअल में जैसे 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करी तो शुरुआत में करी थी लेकिन साल के एंड में 1,00,000 ना रहा वो, उसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि साल के एंड में अब कितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर पूरे साल के दौरान। इट इज ऑल्सो टर्म एज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको न्यू कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने इन्वेंट्री स्टॉक पर पूरे साल के दौरान 1,00,000 रुपीज खर्चा किया, क्लियर है, चले, उसके बाद मैंने मशीनरी पर 1,00,000 रुपीज का खर्चा किया, क्लियर, उसके बाद मैंने बिल्डिंग पर 1,00,000 रुपीज का खर्चा किया, भैया बिल्डिंग तो 1,00,000 की आती भी नहीं कहीं पे, चलो फिर भी एग्जांपल है ना, चलो, तो ये सब क्या थे? मेरे खर्चे थे पूरे साल के दौरान ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कि पूरे साल के दौरान जो भी मेरा खर्चा था वो ये सब था। कैसे? 1,00,000 रुपये मैंने इन्वेंट्री स्टॉक पे खर्चा किया, 1,00,000 रुपये मैंने मशीन पर और 1,00,000 रुपये मैंने बिल्डिंग पर, तो ये दोनों तो मेरे फिक्स एसेट्स से, नीचे वाले मशीनरी और बिल्डिंग, और ऊपर मेरा कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। तो इन्वेंट्री स्टॉक मैंने 1,00,000 रुपये खर्च किया, तो टोटल मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? टोटल मिला के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000 कितना हुआ? 3,00,000। कितना हुआ? 3,00,000 रुपये। तो देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन
इन्वेंट्री स्टॉक प्लस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स या फिर जो भी आपके कैपिटल हो सकते स्टॉक हो सकते हैं, है ना। तो 100,000 रुपये तो यहाँ खर्चा किया प्लस 200,000 रुपये मैंने फिक्स एसेट्स पे खर्च किए, टोटल मिला कितना हो गया 300,000 रुपये। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि पूरे साल के दौरान मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था, 300,000 रुपये थे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जिसको हम न्यू कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो नेट इन्वेस्टमेंट कितना किया, मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो भी कब, साल के एंड में कितना उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रहा है, जो कि मैंने 300,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, इसका मतलब क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर मैं उसमें से अपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर देता हूँ, मान लीजिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये, कितनी है 10,000 रुपये, तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 200,000 रुपये, कितना 200,000 सॉरी कितना 290,000 रुपये। क्लियर हुआ। तो 290,000 रुपये आपका क्या आ गया नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ। चले तो समझ में आया इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो पूरे साल के दौरान किए जाते हैं किस पर, स्टॉक पर, इन्वेंट्री स्टॉक पर या फिर कैपिटल स्टॉक पर। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया वो कैसे निकलता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से हमने जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया अपना खर्चा डेप्रिसिएशन वाला, क्योंकि वो वैल्यू जो आपकी पहले थी वो अब उतनी नहीं होगी, तो उसमें से हम जब उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू डिडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अगर किसी भी फिक्स एसेट्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है कि किसी भी फिक्स एसेट्स पर आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो आपका क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हुआ। देखो कैसे, इन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स, की फिक्स एसेट्स के जो स्टॉक है उसमें जितना भी इंक्रीज हुआ ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, इस टर्म हैज फिक्स एसेट्स, ठीक है। प्रोड्यूसर का जितना भी प्रोड्यूसर का जितना भी फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज कैसे हुआ क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया होगा, तो ये सब क्या है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हुआ। चलें आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया है, आपने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया है एक साल के दौरान, वो भी किस पर, इन्वेंट्रीज पर। एक एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए साल की शुरुआत में, मतलब हर साल एक अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है ना, तो साल की शुरुआत में मेरा ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ था, जो कि सामान बिका नहीं होगा, तो ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 20,000 का पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है, 20,000 रुपये का। क्लियर हुआ। लेकिन अब साल के एंड में, मतलब उसी साल का जब एंड हुआ, जब एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हुआ, तो टोटल स्टॉक मेरा कितना हो गया 50,000 रुपये का। ओपनिंग कितना था 20,000, टोटल कितना हो गया, टोटल मिला के क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 50,000। तो आप मुझे बताइए कि पूरे साल के दौरान मैंने कितना और स्टॉक प्रोड्यूस किया था। दोबारा समझ लो, ओपनिंग में जब मैं साल की शुरुआत में आया तो 20,000 का सामान पड़ा हुआ था, 20,000 का सामान पड़ा हुआ था, और साल के जब एंड तक पहुंचे तो टोटल मिला के सामान कितना हो गया 50,000 रुपये का। उसको मिला के 20,000 वाले को मिला के टोटल कितना हो गया 50,000 का हो गया। सो इस साल के दौरान कितना प्रोडक्शन हुआ, 30,000 ना। तो वही चीज है क्या कि आपने इस साल में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री पे कितना किया है 30,000। क्लियर हुआ। चलिए देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एक साल के दौरान द चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, जितना भी इन्वेंट्री स्टॉक चेंज हुआ है, दैट इज द सम ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो कि अनसोल्ड गुड्स कहे जाते हैं, सेमी फिनिश गुड्स या फिर जो गुड्स अभी बचे हों, फिनिश ना हो, या फिर रॉ मटेरियल आपका, इस टर्म हैज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से ही जानेंगे। कैसे, सम ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो सामान बिका ना हो, या फिर अभी आधे अधूरे बने हुए हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल पड़ा होगा ना, जिससे वो सामान बनेगा, जिससे वो गुड्स बनेंगे, तो वो सब क्या है आपका, एक
आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही है पूरे साल के दौरान जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज चेंज इन स्टॉक, और इसको चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है। जैसे बताया था कि साल के शुरुआत में आपके पास 20,000 का माल पड़ा हुआ था, उस 20,000 के अंदर आपके अनसोल्ड गुड्स भी हो सकते हैं, उस 20,000 के अंदर आपके रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, उसी 20,000 के अंदर आपके सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। 20,000 का ओपनिंग पड़ा हुआ था एंड लास्ट में 50,000 का हो गया सामान सारा मिलके, तो इस साल के दौरान आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 30,000 रुपये का। तो कैसा आया देखो कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 20,000, ठीक है, नहीं सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक में कितना हो गया था? 50,000। कितना हो गया था? 50,000। और ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ था? 20,000। तो पूरे साल के दौरान कितना इन्वेस्ट किया आपने? 30,000 रुपये। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना, चेंजिंग स्टॉक कितना है? 30,000। पूरे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंजिंग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं कि इस साल में कितना स्टॉक में चेंज आया, वो कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 50,000 माइनस 20,000। तो 30,000 का आपने इस साल के दौरान इन्वेस्ट किया है किस चीज़ पर, चाहे वो फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। तो तीनों पे ही आपने जो भी इस साल के दौरान इन्वेस्ट किया है कितना? 30,000, तो वो क्या है आपका? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या था? फिक्स इन्वेस्टमेंट था कि आपने पूरे साल के दौरान कितना फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्ट किया है, कि जो भी एसेट्स आपके पास हैं वो कैसे जो भी इंक्रीज हुए हैं वो क्या है आपके? फिक्स इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है। एक फर्म कर सकता है या फिर एक बिजनेसमैन जो भी है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या था? फिक्स एसेट्स का बढ़ना, क्योंकि इन्वेस्ट किया होगा तो बढ़ा होगा, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स एसेट्स पे होने वाला खर्चा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? कि आपने पूरे साल के दौरान जो भी अपने फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स या फिर रॉ मटेरियल पे जो भी खर्चा किया है पूरे साल के दौरान, तो क्या होता है आपका? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको हम चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। तो चेंज स्टॉक का यहाँ पर फॉर्मूला भी था जिसको हमने रटा नहीं है ना, समझा कि 50,000 में से हमने 30,000 माइनस कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया, 20,000 ओपनिंग में था, 50,000 क्लोजिंग में था, तो 50,000 में से 20,000 माइनस किया तो कितना आया? 30,000, कि पूरे साल के दौरान हमने 30,000 का प्रोडक्शन किया है एक्स्ट्रा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का, डेप्रिसिएशन। पता है आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी फिक्स एसेट्स होती है उसको जब भी हम कोई भी कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू घटती है, और जो वैल्यू घटती है वही वैल्यू क्या होती है? डेप्रिसिएशन। जैसे आपने अगर कोई बाइक लिया, तो बाइक अगर 1,00,000 की है तो वो 1 महीने बाद 1,00,000 की नहीं होगी, वो 6 महीने बाद 1,00,000 की नहीं होगी, वो 1 साल बाद भी 1,00,000 की नहीं होगी, कि वो उसकी हर दिन हर घंटे उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती रहती है, क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, मतलब यूज़ कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि यूज़ करने से ही डेप्रिसिएशन लगता है, रखे ठीक है, टाइम के बीतने से भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो देखो क्या होता है डेप्रिसिएशन, आइए समझते हैं। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ लॉस, एक लॉस है, और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और ये क्या होता है? एक वैल्यू जो कम हो जाती है किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की, इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, नॉर्मल यूज करने से, नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, कि भैया अगर आपने कोई रेट पहले से डिसाइड कर रखा है, जैसे हम 11th क्लास में हमें डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या था कि हमने पहले सोच लिया था ये मशीन आई है इस पर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो पहले से डिसाइड कर लिया है कि इस साल के लास्ट में इस मशीन की वैल्यू में 10% कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज की हमने पहले रेट डिसाइड कर लिया है, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब ये है कि जो आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ तो इसमें होने ही वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सेल फोन लिया है, मोबाइल फ़ोन लिया है 20,000 रुपये का, और लेने के 2 दिन बाद आपको पता चला यार इसमें जो फीचर है ना, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो 1 साल बाद पुराने हो जाएंगे, तो आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि ये 1 साल बाद ये फ़ोन जो 20,000 का है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा कम, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आपने लगाया। ठीक है, आपको पहले से पता है कि इसमें ये चीज़ तो लगने ही वाली है, ये चीज़ की इसमें कमी आने वाली है। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट्स पे 3 रीज़न की वजह से हो सकता है। एक नॉर्मल वेयर एंड टियर यूज़ करने से, पासेज ऑफ टाइम से भी हो सकता है, मतलब टाइम बीत रहा है तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा, और तीसरा रीज़न क्या था कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो आपने आपको पहले से पता है कि भैया ये चीज़ तो इसमें होने ही वाली है इस फिक्स एसेट्स पर, या कोई भी एसेट हो सकते हैं, फिक्स एसेट्स पर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है ना, फर्नीचर, या फिर आपके कोई भी इक्विपमेंट हो जाए, तो इन पर आपको अगर पहले से पता है कि ये चीज़ तो इस पर
लगने ही वाली है, इससे आप इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो भी क्या है वो डेप्रिसिएशन ही है। और नॉर्मल रेट ऑफ जो आप रेट पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो वो भी क्या है आपका डेप्रिसिएशन है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना इन सब रीज़न की वजह से, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होना इन सब चीज़ की वजह से, ये सब क्या है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को हम इस नाम से भी जानते हैं, क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन को, वो फिक्स कैपिटल को कंजप्शन करने से जो भी वैल्यू घटती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और डेप्रिसिएशन को हम इस नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, एक मशीन, एक रोबोट है जो कि डेप्रिसिएशन के वर्ड से घबरा रहा है क्योंकि इसे पता है कि डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ जो उसकी वैल्यू कम कर देगा। क्लियर हो गया? चलिए फिर आज के लिए इतना ही सही। आगे हम इसके और टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे, अभी दो तीन टॉपिक और हैं जो जिससे फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे अपने नेशनल इनकम के चैप्टर पे, और जो कि बहुत एक्साइटेड चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चे इस चीज़ को लेकर काफ़ी डरते भी हैं कि भैया आता नहीं है नेशनल इनकम, कैसे होगा। अरे हम करा देंगे। चलिए बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय गाइज, आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे कमेंट में भी अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, और एक बात हमें आपसे कहनी है, क्या, कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, हमें इससे मोटिवेट मिलता है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। क्यों? क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा, जिससे आप हमसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे। चलिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू।